चित्रकूट कृषि विभाग द्वारा कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण और कृषक जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत 5 दिवसीय पारंपरिक रामायण कृषि मेला प्रदर्शनी का लोक निर्माण मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और जिलाधिकारी शेषमणि पांडे ने शुभारंभ किया। कृषि विभाग द्वारा सीतापुर रेन बसेरा परिसर में भव्य शुरुआत की गई है। जिले से आए पुरुष महिला किसानों को उन्नति फसलों और अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को जागरूक और प्रेरित किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने 5 दिवसीय पारंपरिक रामायण कृषि मेला कृषि प्रदर्शन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषि जागरूक कार्यक्रम के तहत आज से 5 दिनों तक कृषि मेला रहेगा। आपको बता दें कि कृषि प्रदर्शनी में किसानों से संबंधित तरह तरह के उपकरणों के स्टॉल और खेती करने की विधियों, गोबर खाद बनाने की विधि, किसान लोन, किसान बीमा आदि के स्टाफ लगाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। ऐतिहासिक रामायण मेला है, आज से प्रारंभ हो रहा है और उसी के क्रम में रामायण मेला के साथ साथ, चूँकि बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो कृषि विभाग की भी एक 5 दिवसीय प्रदर्शनी आज यहाँ पर प्रारंभ हो गई है, जिसका आज प्रारंभिक शुरुआत माननीय मंत्री जी आदरणीय श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी के कार्यक्रमों द्वारा हुआ है और ये आगामी 5 दिवस चलेगा। और आस पास के सभी कृषक हैं वो भी आ रहे हैं, आप इसका लाभ ले रहे हैं और पूरी टीम हमारी लगी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।